Hey friends, welcome back to my channel and today we are going to study Tom Jones by Henry Fielding. A special thanks to my supporter Farha. तो आइए दोस्तों नॉवल की शुरुआत करते हैं. स्क्वेयर ऑलवर्दी अपनी बहन ब्रिगेट के साथ सोमरसेटशायर जगह पर रहते थे. लंदन के ट्रिप से जैसे वो वापस आते हैं घर पे तो देखते हैं बेड पे एक बच्चा है. वो शॉक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उस बच्चे के पेरेंट्स को खोजने में लग जाते हैं. कहीं से खबर मिलती है कि ये जो बच्चा है वो जेनी जॉन्स का है. ये एक पड़ोस में रहने वाली एक औरत है. जेनी जॉन्स जो है वो संबंध बना लेती है अपने स्कूल मास्टर से और स्कूल मास्टर का नाम है पैट्रिज. तो स्क्वेयर ऑलवर्दी काफ़ी समझदार आदमी है. वो जेनी जॉन्स को शहर से बाहर भेज देता है क्योंकि उसकी बदनामी हो जाती है. लेकिन जेनी जॉन्स बाहर जाकर शादी कर लेती है मिस्टर फिट्ज़पैट्रिक से. तो स्क्वेयर ऑलवर्दी उस बच्चे को पालता है और उस बच्चे का नाम रखता है टॉम. तो यहाँ से टॉम की ज़िंदगी की शुरुआत होती है. अब स्क्वेयर ऑलवर्दी की इकलौती बहन ब्रिगेट ऑलवर्दी की शादी हो जाती है कैप्टन ब्लिफिल से. दोनों का बेबी होता है. उस बेबी का नाम होता है ब्लिफिल. कुछ सालों के बाद स्क्वेयर ऑलवर्दी टॉम को सौंप देता है अपनी बहन को उसकी परवरिश करने के लिए. अब कैप्टन ब्लिफिल को काफ़ी गुस्सा आने लगा टॉम से क्योंकि उनका बेटा ब्लिफिल और टॉम में से लोग सबसे ज़्यादा टॉम को पसंद करते थे. और तो और जायदाद का बंटवारा जब होगा तो टॉम के हिस्से भी जाएगा, इसलिए उनको और गुस्सा आने लगा. लेकिन एनी हाउ उनकी डेथ हो जाती है. अब 12 साल के बाद दोनों भाई बड़े होते हैं टॉम और ब्लिफिल. तो टॉम को सब लोग नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे घर का आया हुआ बच्चा है और कहाँ ब्लिफिल अपने घर का बच्चा है, तो भेदभाव तो होना ही है. स्क्वेयर ऑलवर्दी का एक नौकर है, उसका नाम ब्लैक जॉर्ज है. वो काफ़ी वीक, फाइनेंशियली वीक था. तो टॉम उसको पैसे देने के लिए चोरी चकारी करना शुरू कर देता है और ये बात अपने दिल की बात उसने अपने भाई ब्लिफिल को बताई. अब ब्लिफिल जाकर कह देता है स्क्वेयर ऑलवर्दी को. वो गुस्सा हो जाते हैं. लेकिन जब यही बात विलेज में लोगों को पता चलती है, गरीब लोगों को, तो वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और टॉम को एक भगवान की तरह मानने लगते हैं. अब स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट होता है. सोफिया बेटी है स्क्वेयर वेस्टर्न की और मिसेस वेस्टर्न की. वो अब हमारे टॉम को पसंद करने लगती है. लेकिन टॉम जो है वो मॉली को पसंद करता है. और वो मॉली कौन है? तो वो ब्लैक जॉर्ज की इकलौती बेटी है. लेकिन लड़का कहीं ना कहीं सोफिया की तरफ फिसल गया. बाद में टॉम को पता चलता है कि मॉली प्रेग्नेंट है किसी और के बच्चे के साथ, तो वो गुस्सा होकर मॉली को छोड़ देता है. दूसरी ओर मिस्टर एंड मिसेस वेस्टर्न चाहते हैं कि सोफिया की शादी हो जाए ब्लिफिल के साथ क्योंकि वो एक लौता जायदाद का मालिक है. अब बेचारा टॉम मॉली की याद में शराब पीता था, नशा करता था. तो ये सारी बात ब्लिफिल जाकर अपने अंकल स्क्वेयर ऑलवर्दी को बता देता है और स्क्वेयर ऑलवर्दी टॉम को घर से निकाल देते हैं. अब टॉम मारा मारा फिरने लगा. वो देखता है एक औरत के साथ ज्यादती हो रही है, लूटपाट हो रही है. वो जाकर बचाता है तो वो औरत कोई और नहीं बल्कि जेनी जॉन्स थी. दोनों में अफेयर शुरू होता है. दोनों होटल चले जाते हैं. सोफिया भी वही होटल भाग कर आती है क्योंकि उसकी ज़बरदस्ती से शादी कराई जा रही थी ब्लिफिल के साथ. तो वो भाग जाती है और भाग कर वही होटल में आती है जहाँ पर टॉम और जेनी जॉन्स थे. वो समझ जाती है कि दोनों इसी होटल में ठहरे हैं. वो जाती है उसके रूम में और कुछ ऐसा सबूत के तौर पर रख देती है कि हाँ उसे पता चल जाए कि वो भी इसी होटल में थी. अब जब ये बात टॉम को पता चलता है तो वो मारा मारा और फिरता है, सर्च करता है उसको कि आखिर वो कहाँ गई. टॉम का अफेयर चलता है लेडी बेलास्टन के साथ. लेकिन कुछ दिनों के बाद वो सोफिया को प्रपोज करता है. जब ये बात लेडी बेलास्टन को पता चल जाता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और सोफिया के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर देती है. और वो एक आदमी को फिक्स करती है जैसे लॉर्ड फिलैमर को बोलती है पैसे देकर कि जाओ और जाकर सोफिया का रेप कर दो. वैसे तो सभी लोग लंदन चले जाते हैं और अब बारी आती है मिस्टर फिट्ज़पैट्रिक की. जब मिस्टर फिट्ज़पैट्रिक को पता चलता है कि टॉम उसकी बीवी जेनी जॉन्स के साथ नाइट्स स्पेंड करता था तो वो पूरा का पूरा मन बना लिया कि अब तो मैं टॉम को मार ही डालूंगा जान से. अब टॉम और मिस्टर फिट्ज़पैट्रिक के बीच में लड़ाई होती है. टॉम एक भारी चीज़ से उसे मार देता है तो पुलिस उसे जेल भेज देती है. जेनी जॉन्स जाती है स्क्वेयर ऑलवर्दी के पास और उसे कहती है कि ये बच्चा मेरा नहीं है बल्कि आपकी बहन ब्रिगेट का है. ये बात सुन के
स्क्वेयर ऑलवर्दी के दिल में टॉम के लिए और भी प्यार बढ़ जाता है। अब बिलफिल की सच्चाई भी पता चल जाती है सबको। बिलफिल को जायदाद से हटा दिया जाता है। स्टोरी की एंड में टॉम और सोफिया की शादी हो जाती है और उनके दो बच्चे हो जाते हैं और यहाँ पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आई हो। तो मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।